Myself, Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College, Ajmer. हम पढ़ रहे थे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में. हमने पिछले लेक्चर में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पार्ट वन में जाइलम के बारे में पढ़ा था. अब हम आते हैं प्राइमरी फ्लोएम के बारे में. तो पहला जो फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम. जैसे कि प्रोटोजाइलम होता है, उसी तरह से जाइलम का जो फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट होता है उसको प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं. और जो प्रोटोफ्लोएम के सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं बाद में बनने वाले फ्लोएम से, दैट इज़ मेटाफ्लोएम. तो अपन कह सकते हैं द सेल्स ऑफ प्रोटोफ्लोएम डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द लेटली फॉर्म्ड वंस नोन एज मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स इन साइज एंड शेप. साइज में और शेप में दोनों तरह के फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के सेल्स के अंदर अंतर होता है. अब जो प्रोटोफ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं उनके वो सिलेंडर होते हैं, इलोंगेट बॉडीज होते हैं और सेल्युलोस वॉल्स, उनके अंदर सेल्युलोस वॉल होती है. दे आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द ऑर्गन्स. जबकि जो मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स होते हैं वो मेच्योर आफ्टर द कम्पिटिशन ऑफ ग्रोथ इन द सराउंडिंग टिश्यूज एंड सो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग. ये स्ट्रेच नहीं होते हैं. अब प्राइमरी फ्लोएम बना हुआ होता है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम का. जबकि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है, बाद में बनता है जो फ्लोएम, इन सेकेंडरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम इज एब्सेंट. जो बाद में बनने वाला जो फ्लोएम है उसमें प्रोटोफ्लोएम एब्सेंट होता है बिकॉज सेकेंडरी टिश्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रोथ इन लेंथ हैज सीज्ड. सेकेंडरी टिश्यूज तब बनते हैं जब लेंथ की जो ग्रोथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है. इसलिए प्रोटोफ्लोएम के प्रोटोफ्लोएम इज एब्सेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम. अब द प्रोटोफ्लोएम कंस्टिट्यूट्स द फर्स्ट वैस्कुलर एलिमेंट्स टू मेच्योर फ्रॉम द प्रोकैम्बियम. जो प्रोटोफ्लोएम होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीव एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब्स इन एंजियोस्पर्म्स. सीव एलिमेंट्स कह सकते हैं या सीव ट्यूब्स कह सकते हैं इन एंजियोस्पर्म्स एंड सीव सेल्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. दीज आर स्मॉल सेल्स more or less similar to the prokaryotic ones. In keeping with the rapid elongation of the organs, the cells are elongate and slender. Companion cells are scarce or lacking. Companion cells नहीं होते हैं protophloem में, they are scarce or lacking. Parenchyma and fibers are formed later from the prokaryotic. जो phloem parenchyma है and phloem fibers हैं वो बाद में prokaryotic से बनते हैं. मेटाफ्लोएम इज रेदर कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. मेटाफ्लोएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फ्लोएम के सारे एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है. सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. मेटाफ्लोएम मतलब बाद में बनने वाले फ्लोएम के अंदर फ्लोएम के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. जबकि जो प्रोटोफ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं. The primary phloem persists throughout the life of the organs and carries on its physiological functions. जो primary phloem होता है वो plant के अंदर पूरी life तक रहता है, जबकि secondary phloem नहीं बनता है जब तक. This condition prevails in monocots and in some dicots like cucurbita. क्योंकि monocots के अंदर secondary growth नहीं होती है इसलिए primary phloem ही हमेशा पाया जाता है. बट इन प्लांट्स हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके अंदर प्राइमरी फ्लोएम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. बट इन प्लांट्स हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्ड लेटर टेक्स ओवर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड द प्राइमरी फ्लोएम ऑफन गेट्स क्रश्ड. ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके अंदर प्राइमरी फ्लोएम बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, क्योंकि जब इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण
जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्रश हो जाता है और इस प्राइमरी फ्लोएम के सारे काम सेकेंडरी फ्लोएम करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर इन सम प्लांट्स विद सेकेंडरी ग्रोथ्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके अंदर दोनों तरह के फ्लोएम पाए जाते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं लाइक सोलेनम ऑफ फैमिली सोलेनेसी, जो सोलेनम प्लांट है सोलेनेसी फैमिली का, एस्टर प्लांट है कॉम्पोजिटिव फैमिली का, उनके अंदर द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज स्मॉल और प्राइमरी फ्लोएम इज प्रेजेंट। अब अधिकतर फ्लोएम जाइलम के बाहरी भाग में पाया जाता है। नॉर्मली फ्लोएम अकर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उसमें फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है और जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। लेकिन जो लीव्स होती हैं उनके अंदर एबैक्सियल साइड में, एबैक्सियल साइड इन द लीव्स एंड लीफ लाइक ऑर्गन्स के अंदर जाइलम अंदर की तरफ, जाइलम बाहर की तरफ पाया जाता है, फ्लोएम अंदर की तरफ पाया जाता है। सो फ्लोएम इज सेट टू बी एक्सटर्नल विथ रेफरेंस टू जाइलम, बट इन अ नंबर ऑफ डाइकॉट्स, यहाँ हम देख सकते हैं ये रेड कलर से प्रोटो फ्लोएम है, ऑरेंज कलर से प्रोकैम्बियल सेल है जो कि प्रोटो फ्लोएम बना रहे हैं, ये ग्रे कलर के सेल्स कंपेनियन सेल्स हैं, येलो कलर के मेटा फ्लोएम हैं और बीच में जाइलम है, ब्लू कलर से जाइलम है। ये एक और हम डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सनफ्लावर और कॉर्न का है जिसमें मेटा फ्लोएम बीच में पाया जा रहा है, मेटा फ्लोएम इज प्रेजेंट। इन सम डाइकॉट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कॉम्पोजिटी, एपोसाइनेसी, एस्लीपीडियसी, कॉन्वॉल्वुलेसी एंड कॉम्पोजिटी, ये जो डाइकॉट की फैमिलीज हैं अ पार्ट ऑफ फ्लोएम मे बी प्रेजेंट ऑन द इंटरनल साइड एज वेल। इन इन फैमिलीज के अंदर कुछ फ्लोएम का भाग अंदर भी पाया जाता है एंड दैट इज़ नोन एज इंटरनल फ्लोएम एज अपोज टू नॉर्मल एक्सटर्नल वन। मतलब सबसे पहले तो फ्लोएम होएगा, फ्लोएम के बाद जाइलम और इन फैमिलीज के अंदर जाइलम के बाद अगेन फ्लोएम अकर्स, इट इज़ प्रेजेंट इन पिथ। अब ये वाला जो फ्लोएम है ये पिथ में पाया जाएगा और ये फ्लोएम कहलाता है इंटरनल फ्लोएम, दिस इज नोन एज इंटरनल फ्लोएम एज अपोज टू नॉर्मल एक्सटर्नल वन। इट यूजुअली अकर्स एज लार्ज और स्मॉल स्ट्रैंड्स इन क्लोज एसोसिएशन विद प्राइमरी जाइलम। ये वाला जो फ्लोएम है ये प्राइमरी जाइलम के जस्ट पास में है एज इन कुकुरबिटा, और इट मे ऑफन फॉर्म इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स इन द आउटर पार्ट ऑफ द पिथ। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ फ्लोएम, ये जो फैमिलीज मैंने अभी आपको बताई, इनके अंदर एक और फ्लोएम पाया जाता है पिथ के अंदर या फिर प्राइमरी जाइलम के पास में एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्लोएम। अर्ली वर्कर्स कॉल्ड इट इंट्राजाइलरी फ्लोएम, पहले इनको इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहा गया था बट दैट टर्म हैज़ बीन अबैंडन्ड नाउ। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोएम इज प्रैक्टिकली सिमिलर इन कॉम्पोजिशन, दोनों तरह के फ्लोएम, जो नॉर्मल फ्लोएम है और जो इंटरनल फ्लोएम है, दे आर सिमिलर इन कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लेकिन इंटरनल फ्लोएम डेवलप्स लेटर देन द एक्सटर्नल वंस। नॉर्मल फ्लोएम पहले डेवलप होता है और जो इंटरनल फ्लोएम है वो बाद में डेवलप होता है। इट शुड नॉट एट एनी रेट बी कन्फ्यूज विद अनदर टाइप कॉल्ड इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम फाउंड इन सम डाइकॉट फैमिलीज लाइक कॉम्ब्रेटेसी, लोगेनियसी एंड एकेंथेसी। इंटरनल फ्लोएम को हमको इंटरजाइलरी फ्लोएम के अंदर से कन्फ्यूज नहीं करना है। इंटरजाइलरी फ्लोएम इज रियली द सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म ड्यू टू पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द कैम्बियम सेल्स एंड इज इट अल्टीमेटली गेट्स एम्बेडेड इन द सेकेंडरी जाइलम। तो ये है इंटरनल फ्लोएम जिसकी हम बात कर रहे थे। ऊपर तो एक्सटर्नल फ्लोएम या नॉर्मल फ्लोएम है, फिर कैम्बियम आता है और फिर जाइलम आता है। अब कुछ फ्लोएम के पैचेस ये हम देख रहे हैं पिथ के अंदर या प्रोटोजाइलम के बाद में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनल प्राइमरी फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम, ये है इंटरनल फ्लोएम। दिस इज नॉर्मल फ्लोएम, एक्सटर्नली प्राइमरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम आ गया, फिर जाइलम आ गया और प्रोटोजाइलम के पास में
प्रोटोजाइलम के जस्ट पास में ये इंटरनल प्राइमरी फ्लोयम है। तो ये हम देख रहे हैं इंटरनल फ्लोयम इन अ यंग स्टेम ऑफ सोलनम इन टीएस, सोलनम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम जिसमें इंटरनल फ्लोयम पाया जाता है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन अनदर लेक्चर। ओके, थैंक यू।